भाकपा माले नेता रमेश वर्मा की 12वीं बरसी को सदर प्रखंड के कुवाड़ में गुरुवार को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी नेता मनोज कुमार यादव तथा संजय चौधरी ने की, जबकि संचालन पंकज वर्मा और कार्तिक वर्मा ने किया। कार्यक्रम में भाकपा माले के प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपस्थित लोगों ने रमेश वर्मा की तस्वीर माले अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ अपने संबोधन में पार्टी नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि कॉमरेड रमेश वर्मा इस इलाके में जन जन के नेता थे और गरीब गुरबों तथा वंचित लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ा करते थे। उनके अधूरे सपने को पूरा करने की चुनौती है। कहा कि इस समय देश की मोदी सरकार जनता के हक अधिकार छीनने पर तुली है। मोदी सरकार ने देश को कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दे दी है। इस इलाके के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करने को मजबूर है। श्री यादव ने लोगों से संगठन मजबूत कर आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए जोरदार तरीके से कार्य करने का आह्वान किया। यह संकल्प लिया गया कि सभी बूथों में पार्टी कमेटी का गठन कर मेहनत कशों को गोलबंद किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, संजय चौधरी, मनोज यादव, सलामत अंसारी, ठाकुर मंजर, रामलाल मंजरी, फौदार सिंह, मनोज यादव, पंकज वर्मा, कार्तिक वर्मा, बालेश्वर यादव, सफीक अंसारी, झारखंडी मंडल, गणपत दास, सूफी मियाँ, राजू पासवान, संतोष गोप, संजय कुमार, राजू पासवान, सदानंद सोनकर, राजेश माझी, बादल मरांडी, रोहित यादव, सोबराती अंसारी, विस्पत महतो, नीतीश यादव, बंधु कोल, बलिया देवी, उर्मिला देवी, प्रमिला देवी, लीलमुनि देवी, सरिता देवी, अफजल अंसारी, जाहिर अंसारी, भगिया देवी, रीता देवी, गुड़िया देवी, संजू देवी, कविता देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज 22 फरवरी को हम लोग भाकपा माले के नेता कॉमरेड रमेश वर्मा जी का 12वीं बरसी पर हम लोग यहां संकल्प सभा आयोजित किए हैं, उसमें हम लोग सभी जमा हैं। और आज के दिन हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि इस समय जनता जो विभिन्न तरह की समस्याओं और सवालों से जूझ रही है और विभिन्न तरह के सवाल अभी उनके मौजूद हैं, और ठीक ऐसे समय इस देश में किसान और मजदूर भी आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने अधिकारों को लेकर के, और जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस देश की जनता के ऊपर में महंगाई और बेरोजगारी को थोपने का काम किया, और अभी चुनाव के पहले जब अभी किसान लोग फिर से अपना उस मांग को पूरा करने की मांग कर रहे हैं जो वादे हमारे इस मोदी सरकार ने किया था MSP बनाने का, और जो श्रमिकों का जो कानून खत्म किया गया है श्रम कानून उसको फिर से बहाल करने का, लेकिन ये सब करने के बजाय ये मोदी सरकार चाहती है कि हम लोग देश में एक विशेष तरह का माहौल बना करके और हम लोग 24 का चुनाव की नैया पार करें। और जहां तक इस कोडरमा की बात है, यहां भाकपा माले सड़क की लड़ाई में हमेशा आगे रही है। जनता के हर सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, और इस बार हम लोगों ने ठाना है, यहां के मेहनतकश मजदूर किसानों ने भी इस बात को ठान लिया है कि इस बार यहां महेंद्र सिंह का सपना पूरा करते हुए कॉमरेड रमेश वर्मा, कॉमरेड इमनुल हसन बसरू से लेकर के जितने भी हमारे दिवंगत और शहीद साथी हुए हैं जिन्होंने इस कोडरमा क्षेत्र में संघर्ष को तैयार किया और संघर्ष को आगे बढ़ाया, उनके सपनों को इस बार हम लोग साकार करते हुए इस बार का चुनाव हम लोग जीतेंगे, ताकि यहाँ कोडरमा क्षेत्र की जनता की आवाज लोकसभा के भीतर पहुंच सके और पूरे देश में जो नारा गूंज रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसमें हम लोग कोडरमा सीट में भाजपा को हरा करके इस नारे के साथ हम लोग रहेंगे, जनता की आवाज के साथ हम लोग रहेंगे। इसी बात के संकल्प के साथ में आज यहाँ हम लोगों ने रमेश वर्मा जी को याद किया और आगे का चुनौती हम लोगों ने कबूल किया है। हम तमाम जो हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी साथियों को, माँ बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिस्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर मोती ज्वेलर्स के सामने कोर्ट रोड टावर चौक के निकट गिरिडीह।